हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आइए आज आपको अपने खेतों का दर्शन करवाते हैं, ले चलते हैं आपको अपने खेत पे। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं अपने खेतों में क्या क्या है। तो बने रहिए इस ब्लॉग में, आगे आपसे मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरी दादी। और दादी, क्या हाल चाल है? हाल चाल ठीक है। चलिए आइए आपको दिखाते हैं अपने खेत। तो आइए फ्रेंड्स, पहले आपको अपने घर पे दिखाते हैं क्या क्या सब्जियां लगी हुई हैं, क्या क्या लगा हुआ। ये देखिए, हम मक्का, ये देख सकते हैं मक्का है। ये देखिए, इसमें फल आ गया है लेकिन अभी बहुत छोटा है। ये देख रहे हैं, ये सब लगा हुआ है। ये देखिए, इधर भी एक फल लगा हुआ है। वो देखिए वहाँ पे, ये है मक्का। पहले आप लोगों को घर से दिखाते हैं क्या क्या मेरे घर पे बोया गया, उसके बाद चलते हैं खेत पे। ये देख सकते हैं मक्का लगा हुआ है, इसको भुट्टा भी कहा जाता है। देख रहे हैं कितना ग्रीन ग्रीन लग रहा है। ये देखिए, यहाँ पे भी एक और है। देखिए ये सब देख रहे हैं, ये मक्का लगा हुआ है। आइए आगे आपको दिखाते हैं। इधर देखिए, मक्के के बाद ये है, मक्के के बाद ये देखिए कि बैंगन। करीब करीब एक कुंतल बैंगन निकला होगा इस 3-4 बैंगन के पेड़ से, इतना ज़्यादा ये फरता है। इधर देखिए मिर्चा लगा हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये करेला और ये अनार, अनार भी फरा हुआ आपको दिखाते हैं। ये देखिए, देखिए फरा हुआ है अनार। ये उसके ऊपर करेला का पेड़ है, देखिए कितना शानदार व्यू आ रहा है। आइए आगे आपको और सब दिखाते हैं। इधर देखिए, इधर भी सब लगा हुआ है, उधर भी सब लगा हुआ है। अनार आपने देख लिया, अब आइए आपको और सब दिखाते हैं। ये देखिए मिर्ची का पेड़ है। ये देखिए, ये सब घर पे ही लगा हुआ है, अभी आपको खेत में बाद में लेके चलेंगे, पहले यहाँ दिखा रहे हैं। देख रहे हैं मिर्ची का पेड़ है, ये भी है भुट्टा। मक्का देखिए यहाँ लगा हुआ है। इधर देखिए फ्रेंड्स, ये है अमरूद का पेड़, आप देख सकते हैं फल लगा हुआ है, बहुत सारा फरा हुआ था। ये अमरूद का पेड़, ये अमरूद है। मेरे घर नींबू का भी पेड़ है, बहुत सारा नींबू का पेड़ है। चलिए आइए आपको लेकर चलते हैं खेतों में। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स बच्चों को, क्या शानदार व्यू आ रहा है, देख सकते हैं। ये सब है हमारे खेत, देखिए सनसेट होने वाला है। सनसेट होने वाला, कितना शानदार नज़ारा है, देख सकते हैं। देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना शानदार नज़ारा है। वो रहा मेरा गांव, देखिए सब धान लग गया, धान की रोपाई हो गई है। ये सब खेत देखिए, और इधर देखिए सनसेट हो रहा है, देख रहे हैं कितना शानदार लग रहा है। तो बने रहिए इस ब्लॉग में, आगे आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे इतना शानदार हवा चल रहा है, इतना गजब का हवा लग रहा है कि आपको क्या बताएं। हम खड़े हैं, हम देख रहे हैं माथे मार्केट में, उसके बाद अपने खेत गए थे, उसके बाद वहाँ से आए हैं, आपको दिखा रहे हैं। देखिए सनसेट हो रहा है, कितना शानदार नज़ारा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इतना गजब का हवा चल रहा है, इतना गजब का हवा लग रहा है कि आपको क्या बताएं। बहुत शानदार हवा चल रहा है, देखिए हम अपने चौराहे के पास ही खड़े हैं। इतना गजब व्यू है, आज बहुत दिनों बाद सनसेट देखने आए हैं, काफ़ी दिनों बाद आए हैं। फ्रेंड्स, अकेले ब्लॉग बना नहीं मिलता है क्योंकि गाँव में कोई लड़के ही नहीं है, सब इधर में बम्बई दिल्ली चले गए हैं, सब इधर तो कोई है ही नहीं, अकेले बनाना पड़ता है। सब होते तो अच्छा बनता ब्लॉग, अच्छा आता और मज़ा भी आता, तो सुबह से अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है, कोई है नहीं। मेरी भी पढ़ाई चल रही है, मैं भी कहीं जा नहीं सकता हूँ, इसी वजह से इस समय घर पे हैं क्योंकि एग्ज़ाम होने वाला है। तो बने रहे इस ब्लॉग में, आगे आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यह है मेरा खेत, इसमें धान की रोपाई हो गई है, आप देख सकते हैं। यह है मेरा खेत,
इसमें धान की रोपाई हो गई है। इधर भी देखिए, ये किसी और का है, इसमें भी हो गई है। कितना कितना ग्रीन ग्रीन है, बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स इन सबको देख के, देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दवा छिड़का गया, इसी वजह से थोड़ा सा बदबू कर रहा है, दवा का महक देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, ये देखिए ग्रीन ग्रीन पूरा। देख रहे हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ खड़े होकर के किसी का वेट कर रहा हूँ। बंदा आने वाला था, लेकिन देखो कब आता है। एक फ्रेंड था मेरा, वो आने वाला था, तो उसी का वेट कर रहे हैं खड़ा होकर के। अभी देखिए कहा था 20 मिनट में आ जाएंगे, अभी तक आया नहीं। और ये देखिए जी, देखिए कितना शानदार भी है। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।